कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 69 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और गठबंधन के तहत एक सीट उसने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी है। मुख्य विपक्षी दल द्वारा हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा के चुनाव में 69 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने बुधवार देर रात 40 उम्मीदवार घोषित किए, फिर उसने बृहस्पतिवार तड़के 5 सुबह और दोपहर के समय एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। उसने 41 प्रत्याशी की घोषणा पहले कर दी थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने भिवानी विधानसभा सीट माकपा को देने का फैसला किया है। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सोहाना विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को यहां से रोहताश खटाना को उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत की थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन पर आपत्ति व्यक्त की थी। केजरीवाल की पार्टी ने भी 69 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों दलों के उम्मीदवार घोषित होने के बाद गठबंधन की संभावना फिलहाल खत्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड़ा और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पत्रकार सर्वमित्र कंबोज को सिरसा जिले की रानिया सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार में ऊर्जा एवं जेल मंत्री की जिम्मेदारी निभाने वाले रंजीत चौटाला पिछली बार रानिया से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। लोकसभा में पहले भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव में वे हार गए। अपनी पांचवी सूची में कांग्रेस ने उकलाना नरेश सेलवाल और नारनौल से जसबीर सिंह के नाम की घोषणा की। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला को कैथल से टिकट दिया गया है। सुरजेवाला के पुत्र पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला कैथल से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने पंचकुला पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, हिसार से राम निवास रारा, भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, अम्बाला शहर से निर्मल सिंह, एलनाबाद से भरत सिंह, बेनीवाल और आदमपुर से चंद्र प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला, बल्लभगढ़ से पराग शर्मा, फतेहबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया और हतीन से मोहम्मद इजराइल को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।